खत्म, सब कुछ खत्म। अगर बंदा अपनी यहाँ पर गाड़ी ले आए तो मेरे साथ ही बस में बैठे, बस खराब हो गई। तो उधर के तुमने कहा दो बातें कर ले, दो बातें हो गई। ओ भाई साहब, ये तो बहुत खतरनाक है। हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से। मैं जा रहा हूँ मुस्तांग। तो मुस्तांग जाने के लिए इंडियंस को परमिशन चाहिए होती है, जिसकी 1000 रुपये नेपाली रुपीज़ में परमिशन परमिट लेना पड़ता है। और बस की टिकट तो है ही है 1850 रुपये की नेपाली रुपीज़ में, ठीक है जी। तो मुस्तांग जाने के लिए मैं टिकट बुक करवाने आया हूँ। यहाँ पर हूँ एसेंस टूर्स एंड ट्रैवल्स में हूँ। टिकट भी इन्होंने बुक कर दी और परमिट भी मैंने यहाँ से ले लिया। परमिट की फ़ीस वैसे अगर आप जाके करवाओगे टूरिज़्म में, यहाँ वहाँ फॉर्म भरना पड़ेगा, थोड़ा लंबा काम है, तो आपको 1000 रुपये नेपाली रुपीज़ में वहाँ परमिट मिल जाएगा। यहाँ करवाओगे ये सब कुछ कर देते हैं, 1500 रुपये लगते हैं। कभी आप आओ तो आप यहाँ से टिकट ले सकते हो, परमिट भी ले सकते हो लोअर मुस्तांग के लिए। इंडियंस के लिए है 1000 रुपये फ़ीस। अगर फॉरनर हो, उसने जाना हो लोअर मुस्तांग, उसके लिए $35 है ना, $35 है ना। और अगर आप अपर मुस्तांग जाना चाहते हो, उसकी फ़ीस तो बहुत ज़्यादा है। कितनी है? $500 परमिट के लिए। अगर आप अपर मुस्तांग जाना चाहते हो, उसकी फ़ीस है $500 पर पर्सन, ठीक है जी। तो मैं तो लोअर तक ही जा रहा हूँ, अपर जाना वैसे थोड़ा मुश्किल भी, और फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। मतलब 40-50 हज़ार रुपये तो आपके परमिट के लिए लग जाएंगे। परमिट लेने के लिए आपको सिर्फ एक फ़ोटो और आपको आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट आप कुछ भी दे सकते हो, उससे आपको परमिट मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाता है। और फॉर्म वॉर्म ये भर देते हैं सब कुछ, ठीक है। तो लोअर मुस्तांग जाके वहाँ से मैं जाऊँगा मुक्तिनाथ टेम्पल। तो मैं टिकट लेने आया हूँ, मेरे को परसों सुबह जाना है, तो आपको मैं इसके बाद सीधा मिलूँगा बस में। तो मैंने यहाँ से परमिट बनवा लिया, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाऊँगा दूर बनवाने, पहले तो मैं 500 रुपये तो मेरा किराया ही लग जाएगा, उसके बाद फिर फॉर्म भरो, 2-4 फोटोएँ लगती हैं। इन्होंने सब ऑनलाइन काम कर दिया तो काम आसान हो गया। काम होना चाहिए, थोड़े पैसे हल्के से ज़्यादा लग जाएँ। मिलता हूँ आपको बस में, मुस्तांग की बस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं जा रहा हूँ मुस्तांग। सुबह के बज रहे हैं 6:30 बजे की मेरी बस है यहाँ से जॉमसम की। मुस्तांग है डिस्ट्रिक्ट, और जॉमसम तक मुझे जाना है, और वहाँ से फिर मैं आगे मुक्तिनाथ टेम्पल के लिए जाऊँगा। तो यहाँ मैं बस का वेट कर रहा हूँ, 6:30 बजे का टाइम है, 6:30 बजे यहाँ बस आनी चाहिए। उनका ऑफिस यहीं पर ही है। यहाँ से लगभग 160 किलोमीटर है, लेकिन वो 160 किलोमीटर भाई साहब बहुत ख़तरनाक है, सड़कें हैं ही नहीं। इस वीडियो को पूरा देखना तो भी आपको समझ आएगा कि मुस्तांग का रास्ता कितना ख़तरनाक है। तो बस के इंजन में आ गई है प्रॉब्लम, अभी तो स्टार्ट ही हुआ था ट्रिप। देखते हैं कितनी देर लगती है। सवारियां बाहर, फ़ोटो वोटो खींचने में। आप सीन वीन देखो सामने, आपको बर्फ़ का पहाड़ दिख रहा होगा सामने, थोड़ा मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ अभी। ओ भाई साहब, वहाँ भी बहुत सारे पहाड़ हैं, अभी जूम करता हूँ। वो आपको दिख रहे होंगे बर्फ़ के पहाड़। तो बस दूसरी बार ख़राब हो गई, इंजन में से धुआं आ गया, इंजन गर्म हो गया, कुछ ऐसे धुआं धुआं टाइप आवाज़ आई है। अभी फिर बस रुकी है, जैसे बस रुकी सवारियां नीचे, और आप ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पोखरा बेनी जॉमसम मुक्तिनाथ। लेकिन मैं मुक्तिनाथ तक नहीं जा रहा, मैं जॉमसम तक जाऊँगा, वहाँ आज रुकूँगा, कल सुबह मुक्तिनाथ जाऊँगा, फिर 1-2 दिन वहाँ जॉमसम रुक के वहाँ की थोड़ी वीडियो वीडियो बना के थोड़ा घूम के। अब इतनी दूर जाएंगे तो एकदम तो भागते हुए वापस नहीं आ जाएंगे, 1-2 दिन वहाँ रुकेंगे, वीडियो वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे जॉमसम कैसा होता है। जॉमसम ऐसा होता है। और मेरे साथ एक अंकल जी हैं, ये तमिलनाडु से आए हैं, अंकल तमिलनाडु से हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ घूम लिए, अब जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल, है ना। आफ्टर मुक्तिनाथ होम मुक्तिनाथ
मुक्तिनाथ, आफ्टर मुक्तिनाथ पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ ओके, काठमांडू, काठमांडू ओके। तो मेरे साथ ही बस में बैठे, बस ख़राब हो गई तो उधर के, तुमने कहा दो बातें कर ले, दो बातें हो गई। अब दो बातें हुई तो मैंने कहा आपको भी सुना दूँ, दो और दो चार बातें हो गई। तो बस रुकी है चाय वाय पीने के लिए, तो मैंने कहा कुछ चने वने खा ले, थोड़ी ताकत बनाए, बहुत देर चलना है अभी, बस भी ख़राब हो जा रही है बार बार। ये भाई आया कानपुर से, कानपुर से ये सारी बसें जितनी भी जीप खड़ी हैं सारी मुक्तिनाथ टेंपल जा रही हैं, नेपाल के ड्राइवर्स में और इंडिया के ड्राइवर्स में एक मेरे को बहुत बड़ा फ़र्क दिखाई दिया है। जब इंडिया की गाड़ी कहीं ऐसे ढाबे पर रुकती है चाय पानी के लिए, वो 15-20 मिनट मतलब आधे घंटे में वहाँ से निकल जाते हैं, मतलब जल्दी जल्दी जल्दी। और ये नेपाल के जो ड्राइवर्स हैं ये भाई साहब आधे घंटे के लिए रोकते हैं, डेढ़ घंटा बस रुकी रहती है, इनको कोई जल्दी नहीं होती है, आराम से चलते हैं, ये टेंशन नहीं लेते, धीरे धीरे। और जब तक सवारियाँ, एक सवारी कह दे कि भाई अभी 15 मिनट लगेंगे तो वो बैठ जाएगा, ये नहीं कहेगा चलो चलो चलो। इंडिया में ये है कि चाय पानी तो फिर वो 10 मिनट, अभी तक बंदा वॉशरूम ही होके आता है और बस का इंजन चालू हो जाता है, ये फ़र्क तो मैंने देखा है। ठीक है जी, मतलब इंडिया में ये है कि अगर 40 बंदे बस से चल रहे हैं तो डेस्टिनेशन जब तक वहाँ पहुँचेंगे तो 30-32 ही पहुँचेंगे, 8 तो रास्ते में ढाबे पर आ जाएंगे जल्दी जल्दी के चक्कर में। यहाँ पर 40 चलेंगे तो वो 50 लेके पहुँचेगा रास्ते में और सवारियाँ भर लेगा, ढाबे से उठा लेगा और सवारियाँ। खाना तो खा लिया और साथ का जुगाड़ भी रख लिया है कि रास्ते में अगर भूख लग जाए तो दो पैकेट हमारे पास हैं। यहाँ पर आपको पता है किसी भी दुकान पर रुक जाए, शराब दारू बियर इसकी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये आपको चाय के साथ अवेलेबल रहेगी हर जगह। ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। अगर बंदा अपनी यहाँ पर गाड़ी ले आए तो गाड़ी को ख़त्म ही समझना, गाड़ी ख़त्म। तो अगर आप मुक्तिनाथ टेंपल जाओगे अपनी गाड़ी लेके, छोटी गाड़ी, तो वहाँ पहुँचने से पहले आपकी गाड़ी को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है जी, गाड़ी यहाँ बेच के जानी पड़ेगी या कहीं कोने में खड़ी कर जाना। ठीक है, ये तो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है। वह तो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं और ड्राइवर ऐसे चला रहा है जैसे कि रनवे पे चला रहा हो, जहाँ वाइजर उतरता है ना रनवे, ड्राइवर है आराम से भाई चल बिंदास होके चला रहा है। बहुत ही ज़्यादा रोड ख़राब है, बस भी मतलब निकलने के लिए कंडक्टर को नीचे उतरना पड़ रहा है, आगे जाके बताना पड़ रहा है भाई इधर से नहीं, इधर कहीं नीचे से ना लग जाए, बस भी नीचे से लग जाएगी तो छोटी गाड़ी का क्या होगा आप बताओ। ठीक है जी, तो यहाँ बस 5 मिनट के लिए रुकी है, उन्होंने कहा पानी वानी पी लो क्योंकि आगे के लिए थोड़ी हिम्मत बना लो। भाई हिम्मत तो कमर भी गई और बस पूरी भरी हुई है, लोग खड़े भी हुए हैं, लेकिन लोगों को आदत है यहाँ पर, लोगों की भाई साहब इम्यूनिटी बस में बैठने की तो बहुत ही ज़बरदस्त है।
ये है गंदगी रिवर, इसको नारायणी रिवर भी बोलते हैं। अभी आगे जा जाके ये और बड़ी होती जाएगी, अभी हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये और चौड़ी होती जाएगी। ये मैंने भी पूछा है किसी से, लेकिन बढ़िया है। हाँ बहुत बढ़िया है। ये भाई साहब चला रहे हैं हमारी गाड़ी, बहुत बढ़िया चला रहे हैं। गड्ढे बहुत हैं यहाँ पर, और गहरे गहरे गड्ढे हैं। गड्ढे की बात मत करो, अब आगे दिखाई देगा। ये तो कास्टिंग था, पिक्चर पूरा आगे, ये ट्रेलर था। और इनका नाम शिव है, शिव है ना आपका नाम, मैंने सुना था। तो बढ़िया है, अभी आगे देखते हैं। ये जगह कौन सी है? बेनी, मैग्दी डिस्ट्रिक्ट बेनी। बेनी बेनी, अच्छा ठीक है। बस में मेरे साथ एक बंदा बैठा है, वो मेरी वीडियोस देखता है। उसने मेरी लद्दाख की सीरीज देखी थी, जो मैं साइकिल से लद्दाख गया था, उसको बहुत पसंद आई। मुझे लग रहा सारे नेपाल के लोग ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं, इंडिया वाले तो देख ही नहीं रहे। भाई आप भी इसको लाइक कर दो, वीडियो को भी लाइक कर दो और शेयर भी कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। नहीं लग रही तो आप अभी तक देख रहे हो तो अच्छी तो आपको लग रही है, तो भी आप इसको लाइक कर दो, ठीक है। और ये भाई है जो मेरी वीडियो देखते हैं भाई, क्या नाम है आपका? जी अनिल, अनिल नाम है इनका। चलो देख लो भाई, सब्सक्राइबर मिल रहे हैं बस में भी, ठीक है। चलो जी फिर बस ही ना चल पड़े। आप पहले चलो, ये तो बहुत सारे लोग आ गए। और खाना खाने के लिए बस रुकी है, 2 बज गए।
सुबह के चले हुए हैं, 7 बजे चली थी बस, 5-7 घंटे हो गए अभी। वो कह रहे कम से कम 3 घंटे और लग जाएंगे, 160 किलोमीटर। तो आप समझो 160 किलोमीटर में 11-12 घंटे तो कहीं नहीं गए। रास्ता तो आपने देख ही लिया, मलाई की तरह है ना, मतलब मलाई का आप उल्टा कर लो वैसा है रास्ता। लेकिन मज़ा आ रहा है क्योंकि आप पहाड़ देखो, सीनिक व्यूज बहुत ज़बरदस्त है। खाली है बिल्कुल, खतरनाक रास्ता आप देखो भाई साहब, डेडली भाई साहब, आप जुड़ना देख रहे डेडली रास्ता, डेडली। ओ भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक है। कौन सा बॉर्डर आ गया? बॉर्डर नहीं, आप चेकिंग हुआ अभी ये इनका। अब जो मैं परमिट बनवा के आया था वो यहाँ चेक होगा कि परमिट ठीक तो है ना, क्योंकि फॉरेनर्स के लिए परमिट होना ज़रूरी है। अगर आप नेपाल के लोग हो तो आपको परमिट की ज़रूरत नहीं है।
अब हो गई है ठंड भाई, जैकेट स्वेटर स्वूटर पहन लिए है, ठंड ना लग जाए। ओके भाई बाय बाय भाई, आप भी जा रहे हो, सब जा रहे हो। सीन देखो आप सामने, कल सुबह में देखिएगा सीन, जन्नत लगती है सबसे। देख लो शेर से कम नहीं है भाई साहब, दो दिन कुत्ते मिल रहे हैं तो शेर का सामना कर ले। तो चाय मिले आपको सीन दिखा के लाता हूँ मैं, क्या जबरदस्त सीन हो रहे हैं यहाँ पर। तो सीन देखो, बादल ही बादल सामने, पहाड़ ही पहाड़ यहाँ देखो, और यहाँ तो चाय पीने का मजा आ जाएगा। हर कोई चाय कम और फोटो ज्यादा खिंचवा रहा है और बनता भी है। मैंने तो चाय ऑर्डर कर दी है, बस वो बन रही है। तो 11 घंटे में 160 किलोमीटर का सफर तय करके मैं जॉमसम पहुंच गया हूँ, मतलब मस्तैंग पहुंच गया हूँ। बहुत जबरदस्त सफर रहा है। जब भी आप नेपाल आए भाई, ये रास्ता मत भूले। अगर आप एडवेंचरस हो, अगर आपने ये नहीं किया तो आपने कुछ नहीं किया, ठीक है जी। इससे खतरनाक रास्ता मैंने तो अभी तक नहीं देखा, तो आपको भी ये करना चाहिए। और अगर आप अपनी गाड़ी लाने के बारे में सोच रहे हो तो इंश्योरेंस करवा के आना, ठीक है जी। मैकेनिक को भी साथ लेते आना, ठीक है, भूलना मत। और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही देना, रुकना मत। और फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियोस में, मस्टैंग की वीडियोस में, एक नए एक्सपीरियंस के साथ, नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।